दहशतगर्दी का खात्मा, उलमा के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं। दहशतगर्दों के नजरियात के खात्मे के लिए ताउन करें। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बयानिया मेहराब और मिंबर से आना चाहिए। अल्लाह की मदद से दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर की जामिया नईमिया में खिताब। शेरों से हाथापाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, आबिद शेर अली की खिलाड़ियों को ललकार। कहा जो जबान इस्तेमाल की जाएगी जवाब भी उसी जबान से मिलेगा। पीपल्स पार्टी पर भी तंज के नश्तर चला दिए। बोले नून लीग शेर के निशान के साथ इलेक्शन में उतरेगी। आप आंटी आयान अली के साथ मैदान में आएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ को 4 साल बाद सिंध याद आया। मुल्क में 8 मोटरवेज बन रही हैं, सिंध में एक बन गई तो कौन सी बड़ी बात होगी। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के बाद। कौमी असेंबली और सेनेट के वोट बराबर करने के लिए दिए गए फार्मूले पर अमल किया जाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोनों ऐवानों के वोट बराबर होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट का सेमिनार से खिताब। कहा मजबूत सूबे ही मजबूत विफाक की जामिन है। हुकूमती अरकान की कौमी असेंबली के इजलास में अदम दिलचस्पी, गैर हाजिरी मामूल बन गई। हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम से राब्ता का भी कोई फायदा ना हुआ। कराची की गारमेंट फैक्ट्री में आग ने फिर फायर ब्रिगेड का पोल खोल दिया। आग पर काबू पाने में 19 घंटे लग गए, करोड़ों रुपए का नुकसान। फैक्ट्री इंतजामिया ने फायर ब्रिगेड को जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ फायर ऑफिसर कहते हैं पहुंचने में देर नहीं लगाई थी। 800 मुलाजमीन रोजगार के लिए परेशान। क्या वीना मलिक और असद खटक की राहें जुदा हो गईं? वीना का तस्दीक या तरदीद से इनकार, असद खटक भी खामोश। 4 बरस बाद खुला की खबर आ गई। अदाकारा वीना मलिक ने असद खटक से खुला ले ली। अदालत ने खुला का फैसला असद खटक की अदम पैरवी पर यकतरफा किया। धमाका खेज मवाद और चोरी का इल्जाम। एमकेएम के रुकन असेंबली कामरान फारूकी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। समाअत कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने की। और पहली तरजीह आइंदा वर्ल्ड कप के लिए टीम की तश्कील है। हर खिलाड़ी को चांस देना चाहते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर की लाहौर में बातचीत।